नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। आज हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हैं। आज इनसे हम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है पल पल में। नमस्कार मैडम। आप चुनाव प्रचार आखिरी चरण में पहुंच गया है, तो अब तक आपने जो प्रचार किया, कितना आपको रिस्पॉन्स मिला लोगों का? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और शहर में तो है ही है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गांव में भी बहुत ज़बरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में जो भी काम किए और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो राज्य में काम किए, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, जनता उन कामों से संतुष्ट है और जनता चाहती है कि अब उन कामों पर मोहर लगाने का समय आ गया है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार सिरसा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलेगा। आप सरकार के जो अब तक का कामकाज है, जैसे आपने बताया बहुत अच्छे काम किए, कितने नंबर देंगे सरकार के काम को? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि हमारी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में बनी और केंद्र में भी जो इंडिपेंडेंट तरीके से वो है वो पहली बार बनी, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से उस परफॉर्मेंस के बेस पे हम 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। मैडम, सिरसा एक तरह से कहते हो अब तक बिग बढ़ रहा है जी, क्योंकि जो भी सरकारें आई क्षेत्रवाद रहा, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सिरसा संसदीय क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि सिरसा जो है वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद पहले जितने भी बने हैं सांसद, उन लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। आप चाहे कांग्रेस और आईएनडी, मोस्टली दोनों इन्हीं की पार्टी के यहाँ पर सांसद रहे हैं, और अगर आप इनमें से किसी से पूछें कि कुछ भी ऐसा कोई काम ये बताएं कि इन्होंने सांसद रहते हुए सिरसा के लिए किया, तो मुझे लगता है कि ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्वार्थ की राजनीति की, इन लोगों ने जो है यहाँ की जनता के बारे में कुछ सोचा नहीं, यहाँ की जनता के से वोट बटोर के और उसके बाद वो दिल्ली में जाकर बैठ गए, और यहाँ जो अपने आईएनएलडी के रहे वो भी कुछ ज़्यादा ही, मैं ये कहूँगी कि सीधे साधे हैं, तो वो भी नहीं अपनी बात को ठीक तरीके से संसद में रख पाए, तो इसलिए यह बहुत बैकवर्ड है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जिस तरह से जो हमारे नौजवान हैं उनमें जो नशे का उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो एक कोई ना कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज एम्स के लेवल का यहाँ पर आए, ताकि उसमें अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर और डिटेक्शन सेंटर हो और हमारे युवाओं को नशे से निजात मिल सके। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि पानी की जो किसानों के लिए यहाँ पर समस्या है उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले, कोई परमानेंट समाधान उसका कोई निकले, और कोई इंडस्ट्री ऐसी आए यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बैकवर्ड है, यहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज आए जिससे हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले, और बेटियों के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर बनाएं कि जिससे जो है हमारी बेटियाँ और ज़्यादा आगे बढ़ें। मैडम, सिरसा एग्रोबेस जिला है जी, यहाँ काफ़ी कॉटन और गेहूँ का उत्पादन होता है, तो क्या कोई एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के बारे में आप करेंगे कुछ प्रयास? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर एग्रो बेस जो है एरिया है, अगर उससे रिलेटेड कुछ कोई इंडस्ट्री यहाँ पर आती है तो सोने पे सुहागी जैसी वाली बात होगी, और यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी, उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा, और प्लस कोई इंडस्ट्री ऐसी आती है तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि यहाँ पर कोई ना कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए। मैडम, सिरसा जिला कहते हैं कि इनेलो का गढ़ रहा है जी, तो इस चुनाव में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि उनका गढ़ उन लोगों ने खुद ही जो है अपने आप ही तोड़ लिया है अपना गढ़, और अब जिस तरह से उनका बिखराव है परिवार में, लोगों ने अब परिवारवाद की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को जो है नकार दिया है। अब जनता विश्वास रखती है विकास में, अगर आप काम दिखाते हैं, काम करते हैं तो जनता आपको रिपीट करेगी, अगर आप काम नहीं दिखाते हैं तो जनता जो है आपको नकार देगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में किए और मुख्यमंत्री जी ने राज्य में किए, तो जनता उस बात से बहुत खुश है। हम खुद गांव में जाकर पूछते हैं कि क्या आपके गांव में ये काम हुए, और जनता उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि जी बिल्कुल ये काम हुए। तो आप ये बताइए कि अगर काम होंगे, सब कुछ पारदर्शिता रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहेगा और विकास भी होगा, तो जनता क्यों नहीं चुनेगी दोबारा उसी सरकार को, क्यों नहीं चुनेगी? मुझे लगता है इसलिए एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता वो वापस भारत की बागडोर सौंपने के लिए आतुर है। मैडम, मेन चीज, आप अच्छी नौकरी कर रहे थे, राजनीति में आने का अचानक विचार कैसे बना?
देखिए राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं आई, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा माध्यम है जिससे आप जन सेवा कर सकते हैं, जिससे आप देश सेवा कर सकते हैं। और इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने राजनीति को चुना, और ऑफिसर रहते हुए मैं बहुत से समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई थी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो मुझे इस चीज़ का तो शुरू से ही मेरा रुझान है समाज सेवा की तरफ, और अगर माध्यम राजनीति हो जाए तो और भी अच्छी बात है। मैडम, चुनाव के दौरान हमने देखा भी है, आपने महसूस किया होगा कि विपक्ष द्वारा आपके परिवार के सदस्यों पर कुछ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है कि विपक्ष के पास जब कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो हार की बौखलाहट में इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात उनके ऊपर बिल्कुल लागू होती है। कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो जनता के सामने वो रख सके, वो टोटली डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव कर रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए उनके पास कार्यक्रम नहीं है, गाँव में कहीं वो जा नहीं रहे हैं, लोग उनके पास जुड़ नहीं रहे हैं। उनके राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, वो टोटली फ्लॉप शो रहा, कोई भी वहाँ पर लोग जो उनको सुनने वाले नहीं थे, कुछ जो थोड़ी बहुत बसें तो आई हुई थी उन पर आप ध्यान से अगर देखते तो राजस्थान की और पंजाब की दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार, उनकी बसें यहाँ पर आई हुई थी, तो वहाँ की जनता को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की गई। वो लोग भी जो है हमारे यहाँ पर संदीप देओल जी आए हुए थे, उनका रोड शो था, वो सब लोग भी उनके मुखौटे जो कुछ भी उनके पास था, हैंडबिल्स वगैरह सब वहीं पर जमीन पर गिरा के और हमारे रोड शो में पार्टिसिपेट करने आ गए। मैडम एक आखिरी सवाल, लोगों में विपक्ष द्वारा भी ये प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव के बाद यानी कि 12 मई के बाद आप बोला कि सिरसा क्षेत्र में नहीं रहेंगे, आप गुड़गांव या दिल्ली चले जाएंगे, इसके बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है इस पर कुछ कहिए। देखिए ऐसा है कि अगर बेसिकली जो भ्रांति ये लोग फैला रहे हैं, जो लोग फैला रहे हैं, अगर हम कांग्रेस वालों को लें तो वो भी दिल्ली में रहते थे, तो ये सिर्फ लोगों को एक बरगलाने वाली बात है, तो लोग इस तरह की बातों में नहीं आते। मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा रतिया से, और 2014 में आप रतिया की जनता से जाके पूछें मैं उनके बीच में रही या नहीं रही। देखिए अगर राजनीति में आप हैं और राजनीति में आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको, आप इस तरह से नहीं भाग सकते। कब तक भागेंगे? एक बार चुनने के बाद ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल के लिए बन के उसके बाद घर बैठ जाए? अगर राजनीति में आए हैं तो लंबा चलने के लिए आए, लोगों की सेवा के लिए आए, तो ये इस तरह की ऊट पटांग बातें जो हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी हार को बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं, और इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैडम आखिरी में वोटर्स को कोई आपका संदेश? वोटर्स को मेरा यही संदेश है कि उन लोगों ने INLD और कांग्रेस दोनों को सिरसा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने आजमाया है, उनको चुनकर भेजा है संसद में, लेकिन वो लोग उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तो मैं एक बार बस यही उनसे विनती करती हूँ कि जिस तरह से काम केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक मौका वो अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी दें तो मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि हम उनके विश्वास को वो तोड़े ना और उनके विश्वास को बरकरार रखें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करें। और इसलिए अपील करेंगे कि 12 तारीख को 4 नंबर पर कमल का बटन है और कमल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को बहुमत से यहाँ से बहुत ज्यादा वोटों से बड़ी पंचायत में पहुंचे। धन्यवाद मैडम पल पल से आप बात करने के लिए।